से बदभागी तन दिन साज नाम जीवनागी सतगुरु सेवन से बड़ भागी हर दिन साच नाम निभागी सदा सुख दाता रवया तट अंतर सदा सुख दाता रवया तट अंतर शब्द सच वहां शब्द सच्चे महाने सतगुरु सेवन से बड़ भागी अन दिन साच नाम निभागी। ये शब्द श्री गुरु अमरदास जी का है जो 72 साल की उम्र तक जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कितनी बार गंगा स्नान को गए सोचो कहां गोविंदवाल अमृतसर के पास कहां हरिद्वार पैदल जाना पैदल आना फिर अमृतसर की शरण में आए मां पर कड़ी से कड़ी सेवा की जिनको सेवा तन की मिट्टी पीट कर दे तन का प्यार छोड़ने के लिए बहुत रात को किसी से केस बांधे सोचो दिनकर रात सुबह 2 बजे उठकर पानी लाते फिर दूसरा अंगुर मसा को नहाते आसान काम है। उनका शब्द जल्दी से लिखा है उसमें लिखा है मैं एक दफा रात को पानी ला रहे थे कुछ बारिश हो गई रास्ते में गिला हुआ खड्डा था मेरा पैर फिसल गया गागर समेत खड्डे में गए चोट के लिए परवाह नहीं की लेकिन पानी गिरने नहीं दिए खड़ता हुआ दुलाह दुलाई करता है ये खड़का कैसा हुआ है तो दीवार वगैरह तो नहीं गिर गई तो दीवार में क्या करना क्या लेना था अंगूर थामा होगा उसमें तो कितने बेकड़ा है सुन गया लेकिन दिल में ख्याल नहीं लाया आया दूसरों को मनाया रात की बात पूछी कुछ नहीं बताया बुलाई को बुलाया कहने लगी मैंने मुखामा कहा था कहने उसी वक्त से प्यार कर दिया कि मुखामा नहीं मुखामा का फोन है मेहमान का मान है पत्ते पापा है आश्रय का आश्रय है सब कुछ बख्श दिया हमारे साथ हमारे बाद ये काम करेंगे और ज्यादा दिनों से देखा है संतन ही सच्ची साखी वो बोलेंगे पेखी अंकी तजर्बा देख के अखी दादू देखा दीदा सब कुछ कष्ट नहीं था सारी दिन सुना सुना पड़ा पड़ा कहती है कि मैं अखी देख के कह रहा हूं क्या कहते हैं वो ये कीमती जन्म है इसमें क्या करना चाहिए कौन भाग्य वाला है क्या बाल बच्चों वाला है तुम्हें धर्म वाला चौदह बारह बादशाह पटोराज राजमर्ग
यानी भद्र वाला वो है या देवी देवता पूजने वाला कोई नहीं। जो सदगुरु की सेवा सदगुरु के अंदर प्रकट करता है सच्चे नाम से प्रेम हो जाता है। कौन सा सदगुरु? दुनिया तो गुरु से भरी पड़ी है, उसमें चेले नहीं जितने गुरु है। जो मुक्ति का दाता सदगुरु है वो एक ही है, सबके अंदर है। जिसके अंदर श्री गुरु का है एक ही की सेव सभी को दे रहे, एक ही स्वरूप सब एक जो जानवर से जो सबके अंदर काम करेगी। जिसके मतलब ऊषा में जाते धर्मदारी मेरा सतु आपके खेल खिलाड़ी हो, गगन मंदिर का प्रमुख तुम्हारा धन चंदारी हो, चार सूरज में मिसाल बना दिए तारों की फुलवाड़ी हो, पेड़ पेड़ में पानी लगा दे आप मेरे को बना दी हो। सोचो वो सदगुरु सबके अंदर उसको प्रकट करना ये श्री भक्ति है। बाहर कैसे बने गुरु? जैसे किसी ने डॉक्टरी की उसको कहते हैं हम डॉक्टर, उस इल्म का नाम डॉक्टर दे तो नहीं। सोच लो कोई कर लो, इस तरह जहाँ वो सदगुरु आता था उसको गुरु कहते बाद में नकलें चलती थी गुरु के चेले ले गलियारे देख और सबसे बड़ी ताकत है। कितने महकमे हैं, सूबे के भी हैं सेंट्रल के भी हैं, देख लो अंदर भी इसी तरह हैं, अंदर भी इसी तरह हैं। कोई पैदाइश का है, कोई मानने का है, कुछ मालने का है, कुछ ईशा है, कुछ ईशा है। ये सबसे बड़ी ताकत है जिसके मुकाबले हम रोज करते हैं। अब जेठ जिंदा लोड़ी है अपने भक्ति जहाँ जाकर लगा तो ठीक है अपनी अपनी जगह, लेकिन जो सबसे ऊंची भक्ति है बड़ी भक्ति है वो ये है सदगुरु की। हाँ जेठ जुड़ंदा लोड़िए हर जेठ जुड़ंदा लोड़िए जिस आगे सब नवन, हर सज्जन गाँव लग गया किसे ने दही बन। काल प्रगति तक सब तो खा गया तीन लोक और चौदह भवन इसके ऊपर का राज, तीन लोक और चौदह भवन, चलो लोग कह लो चल मोहन कह लो चल अंतर कह लो सब कुछ खा गया। उसकी भक्ति चाहिए जो सबसे ऊंची ताकत है जिसके आगे न काल न महाकाल। सोचो न जंदू न तंगा है, कोई नजदीक न आए, हर दान लग गया हाँ किसी ने दही बन नजदीक न आए। ये है गया था प्रसाद तुम्हारा दे के सब जंतु वगैरह सब भाग जाए, ये सबसे बड़ी ताकत है। वो सदगुरु सबके अंदर है, वो खुशी का दाता है, घर तक आए चौथे लोक में सब लक्ष्मी सब काल का दर है। ये सब लिखते हैं सुन हृदय सदगुरु सदाने सदगुरु सतपुरुष को जाने, घर तक आए चौथे पद में करे निवासा तीन लोक में काल का वास। जिसके मुताबिक हम रोज करते हैं दो वक्त नाम दिया मेरी माँ ऐसा सदगुरु पाया कहाँ पाया सदगुरु पाया सी सहज वस्त्र में मन मजिए बधाइया राग रतन परिवार गणेश बनाइया सहज वस्त्र उन लोग किसी पर चौथे लोक में वहां रहता है सब क्योंकि जो सच्चे मन की दरगाह में गए हैं सब एक ही काली में जो एक ही गुरु है चौथे लोग में रहता है वह हमारा मालिक है। क्या कबीर हमारा गोविंद चौथे कर्म जिनकी जिंद जब तक वहां निकले तो शांति नहीं। ये वक्त है छुटकारे का, ये वक्त उसके पास जाने का। क्या कहते हैं इस सेवा को भगवान लगे सोचो सदगुरु सेवन सेवट पागी अंगन साज नाम देव लागी। कौन सा नाम है सोचो वो कौन सा नाम है जिसको जिक्र करते हैं
मुझसे पूछो नाम सबसे बड़ा या सोम सोम या राम राम या कृष्ण कृष्ण मुसलमान अल्लाह सतनाम सिंह वाहगुरु, ये लफ्ज है समझाने के लिए, वो कुछ ताकत है ना। सोचो सतनाम जब लागी कैसा वो नाम सरस हो जाता, लगे का तंत्र शब्द सत्य महा है, वो सुखों को दाता है, शांति देने वाला है, मुर्दों को जिंदा करने वाला है, सब भूखे मिटाने वाला है, सत्य नाम मेरा धारो, सत्य नाम उधार मेरा, तीन सुखों सब गुणी सच्चा थाना है, सच्ची पूंजी है, सच्ची दौलत है, सोचो वो एक शक्ति है, ना पुधारे से ले जाए, ना पुधारे खंड में, ना पुधारे व्यास पता, ना पुधारे पढ़ते रहो जो इस वक्त में तो भगवान लगे करके का जिस अपने नाम लाए मन सो जन तत्व करने लग पाए जरे जरे में रोम रोम में रोम रोम रवे हर नाम सदगुरु पूरे की दाम उसमें अमृत है अमृत नाम सहस उदाता कि हमने सब उखले जावनिया सब उखले मिटा देता है लफ नहीं लफ तो हमारे समझाने के लिए नाम दो रहे दुख को नहीं जानता नहीं अच्छे नहीं रूप नहीं आता जो कोई चाहे नाम तो नाम अनाम है लेकिन कर्ण में ना ही निश्चित काम है वो गुप्त वस्तु है गुप्त का नाम करते विचकाल जी कट्टर हर पर हो गया वो गुप्त वस्तु सबके अंदर है उस नाम को प्रकट करे उसे लिंग लगाए फिर शांति आएगी तो वो किरण के जरिए सीखा जाता है अंदर अपने प्रकट किया जाता है जिस वक्त फिर को लैंड आया राम नाम संतन घर पाया उनके जरिए सीखा जाता है जिसने प्रकट किया है वो हमें सिखा सकता है उस नाम से लेव लगाए तब शांति है तो सदगुरु प्रकट करे तो हमेशा खुशी और शांति पहुंचे हाँ बोल भाई हाँ जिसे कुछ मैंने गुरु किया जिसे कुछ मैंने गुरु किया उसको बात भी करके देखो तजर्बा करो हाँ दुनिया में बड़े होशियार हैं ये काम में कर रहे हैं दूसरे पास तीसरी दुकान चौथी दुकान कोई काम कर रहे ये भी देखो तजर्बा करो फिर है अंधे वर्दस्त जहाँ लगी है तुम्हें लगी है हाँ हाँ जी हाँ जी ये सबसे बड़ी हस्ती है हाँ जी बोल बस हो सतगुरु सेवा सदा सुख दाता रमया घट अंतर शब्द सच्चे है क्या सदगुरु के शब्द की आवाज है मालिक की वो उसकी लहर है देव है नारायण से भी आवाज आती है रेडियो में सुनते हैं वहां आ गई उनके मालिक की आवाज सारे है चंद सुकुम कर तेरा चंद से नाम पतालन सब में शब्द करते पर सत्या कर मैंने बतालन इसको सुनना भी ऐसी भक्ति है हाँ हाँ जी सदा सुख दाता जितनी भक्तियां तो फल है उनकी स्थिति आ जाएंगी दौलत मिल जाएगी पार्वती मिल जाएंगे और चीज मिल जाएगी लेकिन छुटकारा नहीं जन्म के बिना नहीं छूटते लक्ष्मी का नल भी बन जाएगा लेकिन जन्म के बिना नहीं छूटते तक सब जीव बंधन में दुखी है दुखी आ जाए तो कार्य पंछी ना गिर तीन लोग किराए में बिल भी लेने पड़े हाँ हाँ जी सदा सुख दाता सदा सुख दाता
शब्द सच है शब्द कोटि नाम संसार में ताते मुखिया हुए आद नाम जो गुप्त है मुझे बिलक हुए सोचो उसको पर करने का हाँ हाँ जी हाँ नगर करे गुरु मिला नगर करे गुरु मिलाए हर का नाम मन बताए तो मालिक मेहर करे ब्रह्मक्षेत्र गुरुमुख को पीर को मिलाए उसे पूछ कर निम्फ करे अंदर जाए फिर वो सदगुर निम्फ किरण से काम लेता है उसी रूप में आकर मिलता है हर का चैन से हर जन का और आपके जन में आप रखा सोहन मुझे तरसे संतन की है ध्यान धरना अंदर धोखे हैं बिखरे दौड़ है बिना समस्या है बिखरे दौड़ ना मेरा सतगुरु सुख सह सिद्धि कर जाते तुम्हारे सबको तो काल तो रुका है बात तो जाने लगे वो भी इसी दिन घेरना चाह वो तो उनकी चाल से बात होते काम हो सकता है सोचो उसको करके फिर वो उसने नाक को पकड़ाता है कि पकड़ अंदर धोखे हैं जैसे यहाँ रेडियो में कितनी आवाजें हैं कलकत्ता मुंबई इंग्लैंड अमरीका वो भी इसी अंदर नहीं है जब उस नाम से पड़ जाता है हमें ममता सब खत्म हो जाते हैं ईखा द्वैत सबके अंदर देख लेते सबके अंदर है किसे द्वैत करे किसे ईर्खा करे सोचो भाई कन्हैया लड़ाई लगी थी तो क्यों होता लड़ाई से कोई तल्लुक नहीं लड़ाई पकड़ ली बच्चा है शरारती है हम उसे समझाते हैं नहीं समझता तो मारते हैं ज्यादा चोट लग जाए थोड़ा टाइम को भी ले जाते हैं सोचो इसलिए था तंग करके थे उनको समझाया नहीं मानने तो लड़ाई सोचो समझाने के लिए था एक नैया पानी पिलाता था मुसलमानों को पिलाता सिखों ने अगर शिकायत की हम तो होटल करते हैं ये पानी पिला कर खा देता है बुलाया क्यों भाई क्यों क्यों पानी पिलाता है तुम्हारे समझाने के लिए था ये भी कहीं मुझे तो कहीं तो मुसलमान दिखाई नहीं देते सबके अंदर सब सब दिखाई देता है अच्छा भाई जहाँ पानी पिलाते ये मल्लम भी ले जा ये मल्लम भी ले जा फिर मल्लम क्यों देते हैं सोचो तो दुश्मनी है सब ईर्खा वगैरह सब निकल जाती है हमें ममता निकल जाती है सब झगड़े खत्म हाँ हाँ जी हाँ जी नगर करेगा लड़ाई लगी हुई थी बस अली की चोट लगी उसके दुश्मन के भी लगी वो पकड़ा हुआ आ गया हजरत अली के लिए वो शहादत लाए कहने मेरे से ज्यादा उसको जरूरत है दुश्मन को जिसको कहते थे उसको पिलाने लगे कह उसने ना पिया क्या शायद कुछ जहर ना डाल दी हो देखो तो वो क्या कहते अगर पी लेता तो जन्नत में बाद में जाता इसको पहले भेजता इसके नसीब भाई ये है ये है फिर उन तालीम हाँ हाँ जी नगर करेगा गुरु मिलाए हर का नाम मन बसाए हर का नाम मन बसाए
ਵਸਿਆ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਮਹਾਨੇ ਨਾਮ ਕਰੀ ਚੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ अमृत का नाम ते ही उसका विश्राम इसके अंदर अमृत सत्य में चिंजन का समृत धारा मंत्री शब्द विचार शब्द का नाम का राम 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 सुमन भीजे वो राम शब्द रूप में नाम रूप में रमा हुआ है उसको सुनने से मन काबू आता है। नाम अमृत रस मीठा गुरु सज पीजे उसमें मिठास है नाम में लज्जत है सोचो अगर लज्जत ले जाए फिर मन काबू आता है बाकी हजारा जतन कर लो मन काबू नहीं होता ना ब्रह्मा गया न विष्णु गए न शिव से न किसी से बड़े बड़े तपस्वियों का काबू ना आया सोच लो अगर काबू आता है मन सत्य में भी पी कर है नाम बिन गुरु शब्द मन नहीं ठहरा ये काबू नहीं आता काबू आता है नाम की लज्जत से वैसी लज्जत से निकाल तो लज्जत है ही नहीं सब लगते फैक्ट्री की लगने लग जाती है सब झगड़े मिट जाते हैं उनको तो लज्जत लेने से फुर्सत नहीं बोलो ऐसी लज्जत है वो किसे झगड़ा करें हाँ हाँ जी हर मन वसया सदा सुख दाता शब्द मन महाने कृपा करे मेल मिलाए कृपा करे मेल मिलाए मेहर करे ठीक मिले मिंद करे मेहनत न की फिर भी कल सोई भी सोई पड़ी है तो मेहनत नहीं करता पहले साधन मिलता है साधन से दुनिया भरी पड़ी है मेरे काम साधु कोई हिल है मेहनत नहीं करता ये प्रेमी आत्माओं का मजनू है प्रेमी झुंड तो मैं फिर प्रेमी मिले न कोई प्रेमी सब प्रेमी मिले गुरु भक्ति दृढ़ होए सब कहते हैं हम जा रहा घर अपना ले मिसाल निजात अब घर जा रहा हूं तासू का ये चले हमारे साथ कि मैंने अपने घर बार सब खत्म कर दिया क्या तन का प्यार छोड़ा विश्वकार छोड़े ये है दस नहीं छोड़ी अब उनको प्यार हूँ जो कोई आए जिंदगी मरने का सवाल है ऐसा कोई ना मिला घर पे आग लगाए पांचों लड़के पटक के रहे राम रे बनाए पांचों लड़के कौन से ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इनके काम कर रहे हैं इनके काबू में है इनके कंट्रोल से निकले जिनमें मारे कान सूर ऐसे काम कर ही रहे ये सूर पी रहे हैं अंदर बैठे हैं सब के अमृत को आश्रय है ये बंदे जाने नहीं देते घर में अमृत आश्रय ले नन्ना कारण कोई थी हमारे लिए अमृत रखा है ये पीकर हमारी मिट्टी पीट कर रहे हैं है किसी को पता तो किरण देखा तभी लिखा है घर में अमृत आश्रय ले नन्ना कारण कोई थी ये अपने काम में उलझा रखे अंदर जाने नहीं देते ऊपर इनके मन बैठा है वो पिए फिर मन कबू है हमें मन का शब्द लाए सब झगड़े मिट जाए ईर्ष्या द्वेष वैर विरोध सब खत्म हो जाए हाँ फिर तो भाई हाँ कृपा करे तो मेल मिलाए हाँ कृपा करे ता मेल मिलाए ओ मैं ममता शब्द जलाए तो सब कुछ देख लिया तुझे द्वेष रखे जैसे ईर्ष्या करे उसके अंदर भी है सदा रहे इक रंगी
सब झगड़े खत्म हो गए किससे करें देखिए सबके अंदर आए देख रहा है किससे दूसरे कई सरकार पाई या फिर शासन पाई शासन ने क्या कहा तूने क्या लेना तू सदस्य कर तू हमें छुपे को नमस्कार सदस्य किया अंदर गया फिर क्या देखता है सब में रब रहा था देख के पेक पेक नाम गुरु साई सबके अंदर है हाँ हाँ सदा मुका रहे इस रंगी नाही किसे नाल ताहे बिन सतगुरु सेवा और अंधारा नाल मिलने के लिए कहते हैं अमीर का एक पल फकीर उस रात पर पूछ के जपे जब सूरता को नाम पकड़ाए फिर शांति है फिर उसको रास्ता मिलता है वो शब्द से जोड़कर शब्द मिले तो हर मिले सिर उठाए सुरत शब्द में रखे दरबार देखे बैठा पुरुषमार जब तक शब्द नाम प्रकट नहीं होता ये अंधेरे में है बिन शब्द अंतरा मेरा न बस रहने चुके फेरा अब आंखें बंद करो मेरा है सोचो हमें अंदर जाए खोल ले वो अंदर रोशनी हो जाए हो रहा है नाम से अपनी बहन जिन्हें जिसमें माफी खोलने का जन्म किया खाओ रहा है वो खुल ले नाम से तर नाम प्रगट करे ना इसमें घट जाना अंधेर गवावे ना में घट जाना ना में सुबह पाई नाम जप को सूर उजियारा जिनसे कम अंधेरा सोचो जिसके लिए विषय उतार छोड़े तन का पैर छोड़े अंदर जाए नियंत्रण करे कुछ है फिर हासिल करे रात भी हल्की थी काम लोग पर हर पर निंदा लब लोग तज होए निचिंदा पर का संगल तो मुराला हम तो रहने पाया क्या काम छोड़ दे तो छोड़ दे उस मुंह फैलती है काम से नीचे गिरती है प्राय निंदा वगैरह छोड़ दे प्राय बातें कर करके काला हुआ पड़ा है लोग छोड़ दे बाहर सारा भरना कूद है कूद राजा कूद प्रजा कूद पौड़ी है कोई चढ़ा किसी कूद छोड़ा मान दुखाने बेनती तुझा जो कूद कूद सोच है फिर निराशा है जिस दामन चित्र से हम देखे जैसे मेरी रात में सोचो निष्कारे आते हैं बिजली के इसी देश के अंदर भी निष्कार आने लग गया है चार सूरज आने लग गए हैं अंधेरे मिट जाए शुरू होता है मारे पूरे दिखाया फिर सदगुरु जिन फिरों से काम लेते उस रूप में मिलता फिर आगे रास्ता दिखाता है यहाँ धोते हैं बड़े बड़े मारे गए यहाँ बिन सतगुरु सेवा अंधारा बिन सतगुरु सेवा अंधारा बिन शब्द कोई न पावे पारा बिन शब्द कोई न पावे पारा एक ही रास्ता बस इन शब्द को कारण पारण शब्द को प्रकट करे उस तरह को सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज है सूक्ष्म आवाज कैसे सुनते हैं सारे ख्याल तोड़ देते हैं ऐसे बैठ जाते हैं जिन्हें सो जाता है सोचना इसे सारा जन सो जाए जिस तरह जल जितनी आठ बोलने ख्याल पीछे इकट्ठा करें फिर सुन सकता है
जब लक्ष्मण सुनते नहीं मन चलनी हुई तब लक्ष्मण पर से नहीं बड़ी देते हुई सुख में रखे तब पंच दरबार कहा कीर्तन देखिए बैठक प्रसंगा हाँ जी दिल सतगुरु सेवा जल्दी काम लगे रहो ध्यान रखो उससे बैठते चलते फिरते क्या उसी तरफ है फिर हासिल कर सकता है की थी दुनिया काम में हर वक्त ख्याल है यहाँ सौ बहाने करते हैं क्या ये तकलीफ है ये है वो है ये सब बहाने हैं प्रेमी का यहाँ चरण सिंह बाद में गुलाने का उसके बनाई था वहां हरकुआने उसका ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन जो खुला पड़ा था उसको बुलाया जो पास बैठ गया उसको होश नहीं देखो पास बैठा है उसको होश तो ही नहीं कहता क्या है लड़के को आवाज देता है कि फलाना खेत वाह बोलो वो सिमन हुआ ना खेत का सिमन हुआ ना हुआ बीमारी में हुआ ऐसा ख्याल है तब है दो दो दिनों में इतनी होशियार है इतना ख्याल रखते हैं होश नहीं अगले दिन बहुत चोरा छोड़ गया देखो ये है इसका नाम सुनना हर वक्त याद रहे उठते बैठते चलते फिर सब बहाने लगाते हैं ये सब मन चंचल है कभी कोई बहाना कभी कोई बहाना हाँ नहीं हाँ दिन सतगुर सेवा और अंधारा दिन सब दे कोई न पावे पारा महावैरागी जो सच शब्द लाहे ये बैरागियों का मजमूना पर प्रेमियों का घर बार छोड़ने का नाम बैराग नहीं बैरागी वो है एन संत रहे ध्यान सो बैरागी सत्संगान अब ख्याल कर रहे हैं जो मन माले अपना सतपुरुष बैरागी राम जिसने मन को कब किया है वो बैरागी है बादशाही भी है कि मेरी नहीं इसका नाम बैराग है अगर बाहर गया घर बार भी छोड़ा फिर ख्याल आया फलानी चीज आए फलानी चीज आए सोच लो वो बैराग नहीं ये बैराग है चीज दुनिया हज खुदा दाफुल दुदन ना तमाशा मुकला ना फर्जन दुदन दुनिया क्या है मालिक से गाफली और बेपरवाही का नाम दुनिया है घर बार में जायज मसरूफियत सोना चांदी या कुछ भी है ये दुनिया नहीं इसका नाम बैराग है राजन की तरह बादशाही में बैरागी क्या इसका नाम है मेरा नहीं क्या पता मालिक की सूट ले जाए ये ख्याल ही ना मालिक ना भूले जो दम काफल सो दम काफल सन मुर्शिद ने फरमाया बुलिशाह ने कहा जब नाल बोला मैं काफल बन गया हम सब काफल बने पड़े एक खिनपल विसरे तो स्वामी जानो वर्ष 50 साल बोलो अब एक खिनपल भूल गया तो समझो 50 साल का वापस पड़ गया बुरन साहब का लिखा हुआ है लगा रहे बस जैसे भी है उठते बैठते चलते फिरते हल चलाते रोटी खाते पिताते उसमें तो अभी तो ख्याल रखते हैं ये ख्याल रखे बस हाँ हाँ जी जो शब्द राते
महापराधी जो सच शब्द ना है। दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वरताया। की बात है घर से दोनों कड़ी बोल हाँ दुख सुख करते हैं हाँ। दुख सुख करते तोर लिख पाया पाओ आप वरताया। गुरमुख होवे सो अलग तो वरते मनमुख का बसा है। दुख सुख अमीरी गरीबी तंदुरुस्ती बीमारी हम कर्मों के साथ लिखवाते हैं। जिसको कभी दुख दिया से दुख लेना सुख दिया सुख लेना सोचो अमीरी गरीबी उस हिसाब से आनी है। ये भुगते पड़े बगैर भुगते छुटकारा नहीं अपना किया आप ही पावे प्रलब नाम पावे। ये प्रलब बनी है कल में खुद पेश में आए कल करा पाऊ तक अच्छे अंदाजे में आने ऐसे आए बनू कल जो कुछ तुम करते हो उसको भुगतना पड़ता है। जो चक्की में चीज डालोगे उसी काटा निकलेगा। कर्म किए हैं हमने वो भुग रहे हैं कर्मों के जाले में फंसे हैं। कर्म का तारे नहीं तरे देखो कहां बादशाह कहां जंगल वनदास राम सुंदर जी राजा चूड़ कर देगा इस कर्मों के हिसाब से। ये भुगतने हैं भुगतों का छुटकारा नहीं। जितने भुगत जाए अच्छा प्रेमी के लिए जितनी तकलीफ आए अच्छा है। कैसे भाई मैं देखा तेरा संघ का सब भुगत के ऐसे गया ना बस ये है प्रेमी के जिसको भुगत जाए अच्छा है। भुगतने जरूर पड़ते हैं ये दुख सुख करते तो लिखवाया दूजा पाओ आवड़ताया। गुरमुख हो से लिखते वरते जो गुरमुख है जो गुरमुख का कोर्स करते हैं वो कहते मैंने कर्म किए तो भुगतने हैं। इसमें डर नहीं जाए अमीरी हो गरीबी हो अपना जैसे है गुजारा करता है साथ मनमुख नहीं करता छुटकारे का बंदोबस्त करता है। मनमुख का क्या व्यवसाय है जो मनमुख है वो कहते ये क्यों हो गया ये क्यों हो गया ये क्यों हो गया बस इसी तरह झगड़े में सोच लो उसी रजा में रहे जो पावे तू रख ले बस चीज है रजा में रहना। हाँ हाँ जी दुख सुख करते तुर लिख पाया दूजा पाओ आप वरताया। गुरमुख होवे सो अलग तवरते मनमुख का क्या दिशा है। मनमुख का क्या दिशा है नाम ने नाम लिया फलानी यूं कहते हैं तो नाम लिया क्या फायदा हुआ मैं तो मैंने मेरी बचत मेरे पास नहीं बस समुद्र भागे कभी उधर भागे यही चीज है। रजा में कोई नहीं रहता बस दुनियादारी पकड़ दी है इसको लोक लाज ने मार दी सर दुनिया। हाँ हमेशा उसकी रजा मिला है मेरी गरीबी था उसको सब जानता है। हाँ जो करता है हमारे फायदे के लिए करता है। से मन मुख जो शब्द न पछाड़े से मन मुख जो शब्द न पछाड़े गुरते बैठी सार न जाने। मनमुख है गुरमुख गुरमुख उसी रजन लेते हैं। मनमुख कौन है जो मैं शब्द को प्रकट करने का जतन नहीं करते वो मनमुख है मन के कहने पे चलते हैं।
न्याय के लिए और चीजों के लिए लड़ के मरते हैं, एक दूसरे का लोकन कर रहे हैं। तो क्यों से मन भी शरण पिछाने गुरु के प्रयोग की शरण जाने यार डर ही नहीं मन का सोचो। हाँ वो क्या कहते हैं, हाँ पैदिन क्या निर्भो सच पाइए जम काढ़ लेगा सहारे। उसको हर न समझे हर वक्त डर के ये सात मालिक देखता है, प्राय पाओ और प्रेम प्राय और पाओ दोनों सोचो ये भक्ति के लिए जरूरी है। अगर डर है तो प्रेम भी, अगर प्रेम है तो डर भी है, सोचो ये जरूरी है। मन को हर न समझे भी देखता है, शिवली का मारना हुआ है उसके पास दो आदमी नाम लेने के लिए आए, उनको एक ही बटेरे दे दिया कि जाओ भाई इसको वहां मार कर लाओ जहां कोई ना देखे। एक आदमी गया वो तो किसी झाड़ी के पर्दे में मार के ले आया, दूसरा उस तरफ वापस आ गया। क्यों भाई तुम जहां मैं जाता था मन देखता हद नजर है, फिर मैं इसको देखता ये मेरे को देखता था, कोई जगह ही नहीं ऐसी मिली कि तेरे को नाम दूंगा उसको नहीं देख लो। यह डर इसका नाम है डर, डर ही नहीं किसी को। ये सब बड़ होनहार था, भाइयों से निकाल दिया, फिर शाहूकार के पास बेच दिया, आगे बादशाह के पास चला गया बेच दिया। हाँ खूबसूरत होनहार भी था, बादशाह की औरत उसके आशिक हो गए, उसको अंदर ले गई समय में, पता ख्याल प्रकट किया। फिर उसी वक्त उसको ख्याल आया, कपड़ा लेकर बुत पड़ा तो उसमें डाल दी दीदी ने, ले गया कहने लगी मेरा महबूब है ठाकुर है इस पर पर्दा डालती हूँ, हम खोटा कर्म करने लगे हैं। वो भी कहे ख्याल किया इसका ठाकुर ये तो पर्दा डाल दिया, मेरा ठाकुर तो हर वो साधन नाजर है। उसी वक्त भागा, उसने पीछे से कपड़ा पकड़ लिया वो फट गया। बाद में उसने शिकायत करती राजा के पास कि उसने मुझे हाथ लगाया ऐसे। वजीर सेना था उसने कहा देखो उसको बुलाओ, अगर तो उसका कपड़ा पीछे से फटा है तब तो इसने इसकी शरारत है। तो उसका फटा है तो पीछे से सोच इसका नाम है हजना समझना। याद नहीं किसी को भी है। हाँ हाँ जी तो ठीक जा रहा था, रोटी पास थी वहीं बैठा, कीड़ी चढ़ गई दूर निकल गया, वह रोटी खाने लगा वहां कीड़ी लिखा भाई हम उनको खाऊंगा, ये कीड़ियां इनके बाल बच्चे वहां होंगे वो क्या करेंगे। पीछे मुड़ा वहां रोटियों से क्या है बोलो इसका नाम डर है देखो। हाँ पैदिन क्या निर्भो सच पाइए जम काढ़ लेगा वाले। ये तो दूध करके आया भाई डर ही नहीं, कितने कद खून हो रहे हैं बोलो है किसको डर, कितनी लूट वगैरह है। जम काढ़ मारा ना जाई
पत्थर जमा मारा न जाई गुरु के शब्द नेड़ न आई पत्थर जम मारा न जाई। ये पुलिस जबरदस्त है क्योंकि ये तो कुछ टाल करेगी इधर की वो भी टाल करते हैं लेकिन डरती है तो शब्द की धरती से मैं किसी से नहीं डरती इस व्यक्ति से डरती है जो सदगुरु की भक्ति करते हैं। चल सुने तो दूर भागे हाँ वो हाँ हाँ दूसरा लगाया ट्रेन से बाहर दूसरे लगा गली में फिर पता नहीं लगा कहाँ गए ये है मत मारे हर जगह पर आए भक्ति ऐसी है। हाँ हाँ जी शब्द सुनता बैठा है किसी कमरे में सुन करता है दूसरे की मौत हो गई आ रही है जिन दो कमरे नहीं आते उस देखो इतनी ताकत है उसने नाम भी नहीं लिया उसके लिए भी जल्दी नहीं अंदर नहीं आते। हाँ हाँ जी शब्द सुनता शब्द सुनता दूर भागे मत मारे हर जियो बेपरवाहे मत मारे हर जियो बेपरवाहे हर जियो की सब सिरकारा हर जियो की है सब सिरकारा एहो जम क्या कर बिचारा पुलिस है किसी बदमाश को पकड़ना हो तो मैजिस्ट्रेट तो नहीं आता तो पुलिस ही आते सिपाही इसमें भी अच्छे बुरे होते हैं वहां भी दाना रहा जहां शरीफ के लिए शरीफ आदमी भेजते हैं बदमाश के लिए बदमाश दूसरे ये है जमन दाना है लेकिन से आते हैं उसकी पुलिस है उसने बनाई है बदमाशों के लिए भेजने के लिए। हाँ हाँ जी हर जियो की है सब सिरकारा एहो जम क्या करे बिचारा एहो जम क्या करे बिचारा हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्मी बंदा हुक्म कमावे हुक्म कट हुक्म टाइम आता है उनको भेजते हैं दे जाते हैं हुक्म कट जा गुरमुख साके अगर बचना इनसे तो सुन करो बस याद रखो इसके नजदीक नहीं आते। हाँ गुरमुख साचे किया अधारा गुरमुख पसरिया सबका सारा अब मनुष्य पार करके गुरमुख उतर पाते हैं अब दुनिया में उत्तम से उत्तम है प्रेमी से प्रेमी है तो गुरमुख दुनिया में जीत गया तो गुरमुख सोचो अगर काम का मालिक का नाम कायम है तो उसके जरिए मालिक का नाम मिट जाए अब बचाते हैं तो वो गुरु कोट भारदा भाई के नाम एक कणी गुरु कोट 33 उधारे सोचो गुलाम से कितनों के नाम दे जाए वीर साहब इंसान कितने में उनके नजदीक नहीं आते गुरु साचे किया खा रहा गुरु पसरे सब पसा रहा हाँ गुरु खोए हाँ सुनो हाँ गुरमुख होवे
पूछो सच पूछे गुरमुख होवे तो सच पूछे शब्द सच्चे सुख कहानी। उनके जरिए गुरु बन सकते हैं, उनके जरिए गुरु तक कोर्स कर सकते हैं, सच्चे शब्द से पहले जुड़ सकता है और कोई तरीका ही नहीं। जिस अक्षर को लाइन तो आया राम नाम संतन घर पर उनके जरिए सीख सकते हैं। सोच लो डॉक्टर किसके जरिए सीखते हैं, ये किस जरिए सीखते हैं और पढ़ाई किस जरिए सीखते हैं, ये भी ऐसे ही वो ग्रुप में जरिए सीखा जाता। जिसने ग्रुप का कोर्स किया वो करा सकता है, दूसरा नहीं। हाँ जिसने तन मन के बंधन तोड़े हैं वो तोड़वा सकता है। हाँ गुरुमुख होवे तो सच पूछे शब्द सच्चे सुख कहानी। सच्चे शब्द सच्चे, सच्चा शब्द लोग के पार जाकर मिलता। सच्ची वाणी कहो, सच्चे शब्द कहो, सच्चे नाम कहो, नीचे भी है वो असली जो है वो तो लोग के पार जाकर मिलता। पार ब्रह्म सुनो संत ज्ञान नीचे त्रिलोकी रहे ऊपर सदगुरु नाम। वर्णन तीन लोग बापरा कैसे दर्श रहे, नाम निशान सभी जगह ऊपर दादू देखता है। जिसके मुतालिक रोज पढ़ते हैं नंद सुनो मृतपाग्य सगल मनोज पूरे कब हुए, पार ब्रह्म कब पाया उतरे सगल सूर्य। ब्रह्म देश के पार पार ब्रह्म में जाकर दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। वहां सच्ची वाणी आ रही है जो सब दुख दूर करने वाली है। अगर उसको सुन लो शब्द को नाम को वाणी को तो सब दुख दूर हो जाए, सब झगड़े मिट जाए। नीचे भी है अनंत वाणी, ये वाणी समझाने के लिए है। फिर अनंत वाणी है वो सुना के दे रहे हैं, वो वाणी असली है। दुख रोग संताप सुनी सच्ची वाणी संत साधन पाए सर से पूरे पूरे जानी। सर से मतलब सबसे शहर इलाका नहीं। जब संतों की सेवा कर करके तन मन के बंधन तोड़े अंदर गया फिर वहां असली दुख दूर होते हैं। हाँ हाँ जी हाँ गुरमुख होवे इतनी वाणी नहीं कहते नाम कहते सोच लो। हाँ जी गुरमुख होवे तो सच पूछे शब्द सच्चे सुख कहानी। गुरमुख जाता कर्म विधाता जुग चारे गुर शब्द पछाता। गुरमुख मरे गुरमुख जाता सुनो क्या कहता है। हाँ गुरु जाता कर्म जाता है जुग चारे गुरु शब्द पिछाता। एक ही तरीका जुगु मुख से जब भी कोई गया गुरु के जरिए सजु में गया गुरु के जरिए चेतन गया गुरु के जरिए व्यापार में गया गुरु के जरिए मरे न जन्म गुरमुख गुरु का बनता है। तीन शिव में कह रहा आत्मा पहले कारण शरीर है उसके बाद सूक्ष्म शरीर है उसके बाद सूक्ष्म शरीर है और इनको बंधनों में है। ये सारे बंधन तोड़े इन शरीरों से निकले फिर हम सब में आए वहां नाम का तीर्थ है अर्षद तीर्थ का नाम है किवे का किनारा का अंदर हम सब साचा मन पीवे का स्वाई हो अंदर निम्न हम सब नाये सदा सूचे सा सुनाए उपराग अंदर उसमें नाये फिर साफ होती है फिर मन को देखने की ताल बनती है। तो यहां से तो मार्ग असली शुरू होता है। सोच लो फिर सच्चे शब्द सुनाता है। हाँ हाँ जी
गुरमुख मारे ना जन में गुरमुख गुरमुख शागद समाहे कतरा है कतरा सुंदर बेटे सुंदर बन गया तू फिर सोच मा गया हाँ गुरमुख शागद समाहे गुरमुख नाम शब्द सलाहे गुरमुख नाम शब्द सलाहे अगम अगोचर बेपरवाहे जो गुरुसा कोर्स करता है वो क्या करता है उठते बैठते चलते फिरते अंदर नाम को परेशान जितने करता है कौन सा नाम अगम मन बुद्धि कमता से परे है ऊंचे से ऊंचा है गोचर इन्हें कुछ देखा नहीं जाता इन कानों से सुना नहीं जाता अकी बाजू देखना बंद करना सुनना पैरा बंद चलना बंद करना करना जी बाबा जी बोलना जी मेहमान नान को पूछा के तो फसल करना जिन पर चले सुने मन करना कर्म कर्म करना देख नहीं सकते निकालना से उसको सुन नहीं सकते वो कान और है मोहम्मद साहब ने लिखा है दुख पैगंबर की आवाज है खुदा मेरे साथ दरगोशी मन हमसे सदा नूर बरगोशी समाज बना भक्त आवाज है खुदा नारे सब खुदा की आवाज मैं आम तौर पर कामों में सुनता हूँ तुम्हारे कानों पे मोहर लगी है इसलिए नहीं सुन सकते तुम्हारे बंद पड़े हैं कान बाहर की बातें सुन सुन के बाहर बाहर फिर रहे हैं सोचो वो कान खोले कब आए बिन करे सुने बिन करना कर बिन कर्म करे बिन नाना देख लो सबकी एक ही तालीम है हाँ हाँ जी वो कान खोले तब आए सुने सारे ख्याल निकाले तब सुने हाँ गुरमुख नाम इंजीनियरिंग करता है और कोर्स करता है जल्दी हो जाता है इसमें देर लगती है ये तो दो दिन में करता है मान ही लगे चलो चार दिन बैठा मैं कोई मिला नहीं उम्र बीत गई एक ही जन्म लग जाते हैं इसके लिए धर्मदास 8 जन्म में गया है ना अरे महकमा छोड़ कर नहीं अगर कोई इस महकमे में दाखिल हो जाए तो उसका आप ही छोड़ता फिर हाँ जी अगम अगोचर बेपरवाह एक नाम जुग चार उधारे एक नाम जुग चार उधारे शब्द नाम निसाहे एक ही कृपा जी मुझे उसे जो भारत सत्य माँ दुर्गा में गया नाम को पवित्र करके गया अभी सुनाया था हर की पूजा विलंब संतो प्रण कृष्ण जाई संतो गुरुमुख पूरा पाई नाम पूज कराई सोचो तो नाम की पूजा नाम को पलट करना सिखाते हैं बाकी जितनी भक्ति है नीचे दर्जे की है जिया रे वाला नाम का और जो कर्म काम ना तेन भाव जाम का बाकी जिंदगी तो घर जाएगा इस भक्ति से डरते हुए किस से है बिन नाम का टोल नहीं तान जम करे फारी बिन नाम का पूज ना हो गई परंतु की लुकाई करते भी हैं ये इसलिए भक्ति है कौन सा नाम शब्द नाम बसा है जो सच्चे शब्द मन की आवाज की कूपी लहर है देव है अकीन के काबला हो है भरोसे काबल हो है हाँ शब्द नाम बसा है हाँ एक नाम जो विचार उठारे शब्द नाम आहारे नाम धन यज्ञ वरदान चरणदास कहता सभी थोपे जान कई बार जो यज्ञ करे हो करे चित लाए चरणदास का नाम धन सभी उठा ले जाए तो
कृष्ण ये सी भक्ति है। पूरी नानक राम नाम दिन अवसर बुद्धि पति नीचे दर्जे की। शब्द नाम गुरमुख शांत सदा सुख पाए, गुरमुख शांत सदा सुख पाए, गुरमुख हृदय नाम बसाए। गुरुमुख कोर्स करते हैं, हम नाम का रस लेते हैं, हमारा खुशी मस्त रहते हैं, मेरे शांति उसी ख्याल में रहते हैं। हाँ। गुरुमुख भावे सो नाम पूछे, गुरुमुख भावे सो नाम पूछे, काटे गुरुमुख करे तब मन मद वगैरह की फांगे सब खत्म हो जाए, मन काबू आ जाए, काटे मन फाए गुरु पाए, सब झगड़े मिट जाए, लगा रहे बस उठते बैठते चलते फिरते कोर्स करे। पढ़ाई भी ऐसे करते हैं, खेल में होते हैं, फिर उठते हैं, फिर बैठते हैं, जिनकी पानी भरती भी जल्दी काम हो जाते हैं, बाकी उनको टाइम लगता है। कई लड़के हैं एक साल में दो जमाते कर लेते हैं, कई हैं चार साल में एक नहीं कर सकते, और कर तो देते हैं, क्या हो गया। हाँ हाँ जी भी आइए, कितना आइए आटो भी कितना आइए कितना आइए। हाँ जी कितना आइए। अच्छा अच्छा हाँ हाँ बोलो। गुरमुख भावे सो नाम पूछे, काटे गुरमुख खाने, काटे गुरमुख खाने, गुरमुख उपजे साथ समावे, गुरमुख उपजे साथ समावे, ना मर जन्म ना जूनी पावे। जिसने गुरमुख का कोर्स किया वो सच मालिक में समा गया, मन जमन से परे हो गया। हाँ उनका क्या दस्तूर है। हाँ 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 गुरमुख सदा रहे अनुरागे, अनपिन लंदे लाहे, अब किसी मस रहते हैं इसी काम में बस, उठते बैठते चलते फिरते सोते जाते। जिन्हें खाया खा गए वो जीत गया, वो मन सौला कर गया वो। हाँ हम लहाय गुरमुख सदा रहे रंग राते, हम तो रेखो कहते बड़ा गुरमुख है, ये है गुरमुख का बनता है, हम सदगुरु को प्रकट करे नाम का रस ले। हाँ जी गुरमुख भागत सोहे दरबार, गुरमुख भागत सोहे दरबार, साची वाणी शब्द समारे। अगर पति कूर हुई तो गुरमुख भी, जिन्होंने अंदर शब्द को नाम को सच्ची वाणी को प्रकट किया है, सोचो हम पढ़ने पढ़ने में रह गए हैं, वो पति चल अंदर कहता तेरे सच्ची वाणी सच्चा पूछाने का, वो कब सुनोगे।
बहाली उम्र समझाने के लिए है। सबका निचोड़ ये है, इंद्र नाम को, शब्द को, वाणी को, जो मालिक दुर्गा चैर उसको प्रवेश करो। हाँ जी गुरमुख साची वाणी शब्द समारे अन दिन गुण गावे दिन राती अन दिन गुण गावे दिन राती सहज से पी कर जाए हर उसी तरफ ख्याल है उसी नशा लेते हैं। जब मस्जिद पर गए आखिरी बंशी पर बोली बाहर कभी मैं क्या करूँ खाया जाए संग जो मर्जी आए जब मर्जी जाए। हाँ हाँ जी सतगुण पूरा शब्द सुनाए अंदर सदगुरु पुकारता है बच्चा तुझे ले चलूं कोई सुने उसकी आवाज। अभी सुनाया था मम्मी साहब का ये खुदा की आवाज मेरे कानों में आम आवाज की तरह आ रही है। सोचो तुम्हारे कानों पे मोरे लगी हुई है क्या नहीं सुन सकते। जागे सोई सुने साई संधि सोए वो कब सुनोगे। बाल कितना मेहनत करते हैं सूक्ष्म आवाज सुनते हैं वो भी सुने ताला है। बांगे अजब आसमां डर मेरे साथ हाथ आए थे न शरीदा बांगा इला के घर का होते वो कुदरत तौर पर मल्क दरिया से बांग आ रही है कलमा आ रहा है जिसको नाद कहते हैं कलमा कहते हैं इतना मलाई कहते हैं बांगे आसमानी कहते हैं सच्ची बानी कहते हैं सच्चे नाद कहते हैं कुदरती आ रही है। कुत्ता गमरा सुने बांगे अजब आसमां डर मेरे साथ हाथ आए थे मैं न शरीदा बांगा इला के साथ होते कुछ पागा वाला सुने दूसरा नहीं सुन सकता तो मेहनत करे कि नहीं। हाँ हर वक्त आवाज दे रहा है कि आप अच्छे तुझे लेके दू हर वक्त किसी ख्याल में सदगुरु सबको देते लेता ना ही कोई वो हर वक्त प्यार है सुनने वाला कोई नहीं मेहनत करे। हाँ अगर वो कहता है किसी लिए कि वापस आ जाए जिन तुम भेजे कि नहीं बुलाया सुख सह सिद्धि कराओ आनंद मंगल गाओ सहज तुम नीचे राज कमाओ। सोचो आनंद मंगल गाओ सहज तुम सहज वास्ते से आ रही तुम आवाज ना तुम कहो नाम कहो शब्द कहो इसलिए आते हैं तो अपने देश बंद कहो मत मंगल लड़ो मेरे पास मुसलमानों के उस बैंक को सुनो हमारे ये उस शब्द को सुनो ईसाइयों के उस वर्ड को सुनो। हाँ हाँ जी सतगुरु पूरा शब्द सुनाए कान दिन भागत करो जीव लाए कान दिन भागत करो जीव लाए हर गुण गावे सदा ही निर्मल हर गुण गावे सदा ही निर्मल निर्मल गुण बादशाह सारी दुनिया मेरी है एक माल की मैरों से रहता है। सोचो मैरों के साथ प्यार कर करके मैरे हुए पड़े हैं उसके गुणगान जैसी सोच करोगे वैसे ही असर होगा। देखो उन संतों से उन गुरुओं से प्यार करे
फिर इसलिए रंग चढ़ता है। शुभ घर प्रेम रहते चाओ साहब के संग सोच में जाए तुम गा गा के निर्मल हो गए। पहले सिमरना फिर अनाथ शब से पहले पड़ेगा फिर आगे सफाई होती जाएगी। हम बाहर बात बता करके काले हुए पड़े तभी काला होता है हरिंद चतुर्थान क्या कही समझ नहीं दादू से भूख गया। सोच लो जैसे करो वैसे असर होगा। हाँ मेरे के साथ पहले पढ़ के मेरे मेरे हुए पड़े हैं मेरी है मेला यहाँ तो बड़ी बड़ी कातें मेरी है मेला ब्रह्मा मेला इंद्र मेला राम मेला चंद मेला माता सब संसार एक निर्मल जाकाम के नफार चलते भी हैं बड़ी बड़ी कातें मेरी है त्रिलोकी तक मेले हैं उससे पार जाकर सुनी सफाई है। हाँ देखो ना मेला ब्रह्मा मेला इंद्र फिर दिन को पूछते हैं हर गुण गावे सदा ही निर्मल निर्मल गुण बादशाहे गुण का दाता सच्चा सोई गुण का दाता सच्चा सोई गुरमुख बिरला बुझे कोई। सब अवगुण है एक माल के अगुण से रहते हैं या उसके फकीर जो उसकी दुर्गा में जाते हैं उनका दाता सच्चा सोई गुरु बुझे बिरला कोई बंदे जाए वो देखता है बाकी सब अगुण भरे पड़े हैं उनको उसमें जरिए अपने अगुण में काले साफ हो फिर माल की दुर्गा में जाए अगर साफ होगा दुख को साफ करेंगे कमरे को कभी किसी को बिठाएंगे नल कहाँ है बंद में बिना ख्यालों से भरा पड़ा है कहाँ है नल सारे ख्याल निकाले फिर आए नल कैसे आए। उन्होंने कुछ निकाला वो भी मिले हैं मेला ब्रह्मा मेला इंद्र मेला राम मेला चंद्र लोग तो सब मिले हैं। हाँ गुण का दाता सच्चा सोई गुरमुख बिरला बुझे कोई गुरमुख बिरला बुझे कोई नानक जन नानक जन नाम सलाह बिगसै नानक जन नाम सलाह बिगसै सो नाम बेकर बहाने नाम की तारीफ करे या कोशिश करे जितना साफ होगा अंदर जाएगा आगे आगे साफ होता जाएगा फिर माल पीला में पहुंच जाएगा बिक जाएगा फिर खुशी खुशी शांति शांति है। ख्याल निकाले सिमरन करता आगे भी है लम्बा कोर्स है सिमरन करो लग रहो बस उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इसी ख्याल में रहो बस हमें काम भी करो रास्ता तो सफाई होती जल्दी का काम भी नहीं। हाँ नानक जन नाम सलाह बिगसे सो नाम ये परवाह है उठो गए असली सच्चा नाम वो बेपर का खुद मालिक अभी उसने सजेशन करो की नाम है शब्द और क्या है हुक्म का। हाँ सो नाम
सबे परवाने सतगुरु सेवा सेवक भागी अन दिन साथ नाम निवलानी। पहले तो फील नहीं मिलता, फील नहीं मिलता तो फिर मेहनत नहीं करता। बस मेहनत करो बस, तब है बाहर कोई नहीं। सोच लो तीनों रास्ता बताया, मेहनत करें तब है ऐसे दिया, फिर सारे के सारे नहीं दिया रहे तो झगड़े मिटे जाए। बोलो भाई अब स्विच बंद करते है पाखड़ा से सब खत्म। अरे का तो दिया करो, दिया करो कमी अब दिया साथ साथ चलती है। सारा दिन यही है, दिया करो दिया करो। फिर कहते तुम हमारे पर दया करो, बैठो तुम मानना ये दया है। करनी और दया, करनी और दया साथ साथ चलती है। आम शिकायत है कि मालिक की दया के बिना कुछ नहीं हो सकता, यह बिल्कुल ठीक है। दया ये है कि सतपुरुष हमारे गंदे देश में फकीरों का रूप धार कर आता है और अपने नाम का सिमरन बख्शता है। जब सिमरन बख्श दिया तो दया हो गई। जब भजन करने का में तो आ गया। जब भजन करने का हुक्म मिला तो भजन का अधिकारी हो गया। हमारे साथ भी लगता था पड़ता है सुधारों का चल, आप जानते विचित्र सिंह था सुधारों जाएंगे जो नैतिकता भक्ति हो गया। आठ नौ सालों से कोर्स ही नहीं हो सका है कमजोर। बोलो जब कोर्स किया तो सिंगर लग गया, कोर्स करने पे है। जब हुक्म अनुसार भजन करेगा तो वह फिर दया लेकर खड़ा है। यह उसी तरह है जिस तरह मास्टर पढ़ाता है और लड़का पढ़ता है और कक्षा से कक्षा उन्नति करता रहता है। उसको तो जल्दी है, कब जाए वो तो इसी इंतजार में रहता है कि कब आए। चरण शरण एक पैंट जाए चल, सब कुछ पैंट आगे हो लेता है। ये कदम चल कदम चलते इसके लिए, इसका नाम बचता है। देखो एक बार सतगुरु मात्र सुन मात्र सुन टाइम बार बार को रहता है, एक बार में याद करता बार बार याद करता है। उसको जल्दी है जिसको पकड़ता। हाँ हाँ सिमरन न करना और मुफ्त की दया मांगना ऐसे है जिस तरह कोई लड़का मास्टर से कहे कि वह उसे बीए या एमए तो बना देवे परंतु वह पढ़ेगा नहीं। क्या कभी ऐसा हो सकता है? आलस्य और मेहनत दोनों सतगुरु की बनाई हुई है। आलस्य भी उसकी है, मेहनत भी आलस्य बनाई है, उसने मेहनत भी बनाई है। तो कौन सी लोग आलस को हम प्रयोग करते हैं परंतु मेहनत से लाभ नहीं उठाते। मुझे मस्ताना जी फरमाया करते थे मेहनत रूप ही सतगुरु है, बिन मेहनत किसी न पाया रब का नाम खजाना। कर्म करतूत अमर अल्लाह का नाम नाम पाया। दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती, सिमरन करने से मालिक का प्रेम बढ़ता है। जब तक ऐसा प्रेम पैदा न हो जाए जो मालिक की दया मेहर को खींच सके, उस समय तक मालिक के आगे बेनती और उसका सिमरन जरूर करते रहना चाहिए। बोलो ग्रंथ साहब का जो बदान भेजे लाहौर में बुलाए ना, तड़क लगी रही उनका पर्दा खुल गया, बाकी रह गए साथ वाले। ये तड़क है हर वक्त लगन लगी रहे, तड़क लगी रहे है मल का काम मिलेगा, है मल का काम मिलेगा, है मल का काम मिलेगा, लगा रहे। हाँ समस्त कबरे साफ फरमाते हैं कि यदि मालिक के लिए वैराग पैदा नहीं हुआ तो उसकी बंदगी में लगे रहो, क्योंकि मालिक मजदूरों को उनकी मजदूरी अदा किए बिना नहीं रहता। तुलसी तलब ने छोड़िए मित उठ जाइए राम, मानस मजदूरी देत है क्यों राखे भगवान।
हाफिज साहब फरमाते हैं, निशानी फरमाया करते थे किसी के, उसी तरह न छोड़िए जपी न राम, मन मंजूरी देता है क्या रखेगा, लेकिन बैठे रहो कल लगी रहे, अगर नहीं भी जपा जाता तो लगे रहे, उसकी मंजूरी मिलती है, तब तो है। हाफिज साहब फरमाते हैं कि तेरा दिन प्रतिदिन मालिक के आगे प्रार्थना करना ही काम है, तू ये ख्याल न कर कि तेरी प्रार्थना सुनी गई है या नहीं। कबीर साहब फरमाते हैं कि मालिक के दरबार में किसी चीज की कमी नहीं, यदि कमी है तो बंदे की चाकरी में है, साहिब के दरबार में कमी काहू की ना है, बंदा मौज ने पावी चूक चाकरी माहे। शम्स तबरेज़ साहब बंदगी पर जोर देते हुए फरमाते हैं कि शराब का शीरा कब बनता है, जब मुद्दत तक उसका खमीर मटके के अंदर पकता रहे, यदि तू दिल के अंदर उस इलाही शराब का नशा पाकर उसको रोशन करना चाहता है तो कुछ न कुछ अमल करता रहे। बस भाई चलो अल्लाह से बोल दे धन धन सतगुरु। अगला छह सब्द पुनरा नाम कल ध्यान से गलती हो देखो भाई सुनो तो क्या गलती उल्टा हो दूर सब यार माफी मांग रहे पहले मेरे पड़े हैं आप मेरे से आदि आप ही देने पड़ेगी। हाँ और आ गया क्या करना ये कार धक्का कर रहे हैं क्या धक्का दे रहे हैं ले ले फिर अपना पते खा फिर उनकी। हाँ उसको छोड़ दो ये कर ये पीछे वाली संगत है थोड़ा एक मिनट रुक जाए वो भी मन। हाँ इन्हें रोटी ना दो फिर ऐसे बैठे ना दे दो ना दो बहने भी जल्दी रंग सतगुरु तेरा यासरा अर्ज है कि जो प्रेमी उसी से नाम रास्ता लेना चाहेंगे। सुनो भाई रोटी की तब गई ना भगाती है ना घर के काम बुझाते हैं बस ऐसे भागे माल की तरह। हाँ क्या है हाँ गलती हो गई अंदर माफी मांगो मैं क्या कर सकता हूँ अंदर माफी मांगो और क्या सुन करो दब दे। हाँ नाम दान कल सुबह दिया जाएगा जो प्रेमी खुशी से नाम रास्ता लेना चाहेंगे उनको कल सुबह नाम दान दिया जाएगा। क्या है मन हूँ मैं हर दफा एक मैंने फंसा लेने मैंने तकलीफ हो रही है दस बजे हर दफा मैंने एक चलो शाम में दिया चार बजे और चार बजे अर्ज ये है कि नामदान याद रखो भी अगर सोमवार को मिला तो मैं तकलीफ होंगी बहुत हम पता नहीं मैंने सुनी तकलीफ आने रामदान कल सुबह देना था अंदर माफी मांगो रुकिए आज ना मैं सुबह वाह अभी ये वकील साहब आया है ना देखिए साथ पे उनके आज करने पर आज शाम को नामदान दिया जाएगा लेकिन आगे से आज से पहले क्या चार बजे नामदान आज शाम को चार बजे दिया जाएगा क्या कहना है बात हुई गलती हुई अंदर माफी मांगो माफी देने वाला अंदर मैं कौन है सोचो सच्चे दिल से पुकार करो और आगे के लिए भेज रखो थोड़ा क्या है मैंने तो पहले चली गई आप तो डाल देते हैं ऐसे माफी होते सारे हो जाते हैं सब ठगियां हैं ये मैं तो कह दूं मैंने कह दिया माफी तो हो गया माफी का तब पता चलता है जब उनकी शांति आए। हाँ माहौल बनाया दुनिया में
मान दान सतगुरु तेरा ही आसरा, नाम दान आज शाम को 4 बजे दिया जाएगा। आगे से सत्संग ध्यान रखे कि नाम दान सोमवार को मिला करेगा, उसी हिसाब से अपना टाइम निकाल के आया करें। आगे से महीने वाले सत्संग पे चाहे भंडारा हो या सत्संग, सोमवार को नाम दान दिया जाया करेगा। नाम रास्ता लेने वाले अपना टाइम से ठीक हिसाब देख के समय लेकर आए। सोमवार को रमेश जाना है, तुम्हें जाना है? अच्छा मामा 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 अच्छा चलो। आगे जो महीने वाला प्रोग्राम आ रहा है वो 6 और 7 अगस्त को भंडारा इसी आश्रम में मनाया जाएगा। जो सेवादार है जिनकी पक्की सेवा की ड्यूटी लगी हुई है वो सभी सेवादार 5 तारीख को सुबह आश्रम में पहुंचने का कष्ट करें। और आज शाम को 2 बजे दोपहर बाद जो सेवादार सेवा समिति अलग अलग महकमों के जो प्रधान इंचार्ज है उन इंचार्जों की मीटिंग होगी, तो सभी सेवादारों के जो अलग अलग विभागों के इंचार्ज है वो ठीक 2 बजे वहाँ अलामी के पीछे जहाँ हर दफा सेवादारों की मीटिंग होती है वहाँ मीटिंग में पहुंचे। और भंडारे पर जो नए सेवादार सेवा करना चाहते हैं वो पूछताछ के दफ्तर में अपना नाम लिखवा दें। धन धन सतगुरु तेरा यासरा। मन बड़ा बेशर्म है, देखो एक आदमी को बहुत तकलीफ आई, असूल तोड़े 80-90 हजार खर्चा आ गया, रोया पीटा तो ठीक हो गया, बाद में फिर वैसा बन गया। बोलो ऐसा बेशर्म है मन, इतनी तकलीफ उठाई को ठिकाना नहीं। डॉक्टर जवाब दे रहे थे पहले कह देते हैं ये नाम ऐसा नहीं, ये तो खाल उतारेगा, असूल तोड़ेगा तो हाँ कोई मानता नहीं। चलो भाई गलती पहले है तभी धक्के खा रहे हैं थोड़ा सी में, फिर भी वो गलती होगी। हाँ क्या है सत्संग सुसुम है, कोई नहीं गए सत्संग खत्म, बुढ़े हो गए आप क्या पता। हाँ दसो भाई। हाँ जिसे पूछो आज जरा सी तकलीफ होगी इसलिए नहीं आ रहे, 80 साल के हो गए भैया पता नहीं कैसे गुजारते हैं। चलो ये सदगुरु काम दे रहा है, जन्मपत्री में तो 72 साल खत्म है, 79 साल के हो गए सदगुरु की मेहर है। ये मैग में लग है सदगुरु की मौज है, ये तो काम दे बेमर चल फिर नहीं सकता अब मुश्किल से ठगी ना करो। चलो चलो चल हंसा उस देश समुद्र जहाँ मोती रे, चल हंसा उस देश समुद्र जहाँ मोती, समुद्र जहाँ मोती, समुद्र जहाँ मोती रे, चल हंसा उस देश समुद्र जहाँ मोती रे, चल हंसा उस देश चल हंसा जहाँ देश निराला, दिन शशिधान हो तरुजियारा, चल हंसा जहाँ देश निराला, दिन शशिधान हो तरुजियारा, नहीं काल की जात, नहीं काल की जोत जगावा,
अभी ज्योति हो जग मग ज्योति रे चल हंसा उस देश समुद्र जहाँ मोती रे चल हंसा उस देश समुद्र जहाँ मोती समुद्र जहाँ मोती समुद्र जहाँ मोती रे चल हंसा उस देश समुद्र जहाँ मोती रे चल हंसा उस देश जब चलने की करी तैयारी माया जाल फंसा अति भारी जब चलने की करी तैयारी माया जाल फंसा अति भारी करती सोच विचार करती सोच विचार करती सोच विचार सोती रे चल भंसा उस देश समुद्र जहाँ मोती रे चल भंसा उस देश चाल पड़ो तब दुबरा छूटी पीछे